शहर के सटी थाना में विगत 6 फरवरी को पीड़ित पिता द्वारा उसकी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद आज तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने पर पीड़ित पिता ने नाराजगी जताई है, जिसको लेकर ब्यावर निवासी पीड़ित पिता समाज बंधुओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचा। एसडीएम कार्यालय पहुंचे पीड़ित पिता ने एसडीएम मधु सिंह को एक ज्ञापन देकर उसकी गुमशुदा बेटी को दस्तयाब करने की मांग की है। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन ने बताया गया कि उसकी बेटी वसुंधरा गत 2 फरवरी की रात से घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद 6 फरवरी को पीड़ित पिता की ओर से ब्यावर सिटी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। ज्ञापन में पीड़ित पिता ने बताया कि उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अपने स्तर पर ही उसकी बेटी की खोजबीन की तो जानकारी लगी कि ईसाइयों का बाड़िया बीज गोदाम बलार निवासी रमजान मेरी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है, जिसके बाद पीड़ित पिता ने परिवारजनों के साथ श्री थाना पुलिस पहुंचकर इस बाबत प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई। ज्ञापन ने बताया गया कि समस्त जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करवाने के बाद भी जांचकर्ता अधिकारी ने रमजान और उसके परिवार से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की है। पीड़ित पिता ने पुलिस द्वारा उसकी बेटी को दस्तयाब करने में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता ने एसडीएम से गुहार लगाई हुए है कि उसकी गुमशुदा बेटी को शीघ्र ही कार्यवाही कर दस्तयाब करने की मांग की है, जिस पर एसडीएम मधु सिंह ने सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी से प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। ज्ञान बताने के दौरान नौरथ सिंह पिता विश्व हिंदू परिषद पृथ्वी सिंह पंकज वर्मा उत्तम लोढ़ा पूरण सिंह आनंद सिंह भगवान सिंह सुरेश सिंह गौतम सिंह ललित जिनगर लाल सिंह दीनदयाल तथा छतर सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम नौरथ सिंह है, ब्यावर का रहने वाला हूँ। बिचली मोहल्ला मेरा एड्रेस है। मेरी लड़की शादी शुदा विवाह की थी और ये बेला के पुसला के एक मुस्लिम लड़का लेके फरार हो गया। पुलिस कंप्लेंट भी की लेकिन कोई शिकायत नहीं हो रही और ना ही कार्रवाई हो रही है, तो मैं घाट खुद परेशान हो गया। अब कार्रवाई ये करेंगे तो ठीक, बाकी क्या होगा मेरे मालूम नहीं। मैं परेशान हो गया चार तरफ, कोई मेरी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा और ना ही कार्रवाई कर रहे हो। 8-10 दिन हो गए फरार हो। आज हम सभी ब्यावर के समाज के प्रबुद्ध जन एसडीएम साहब के पास एक शिकायत लेकर आए थे। भाई हमारे नौरथ सिंह जी की पुत्री वसुंधरा पिछले कुछ दिनों से एक विधर्मी के चंगुल में थी और उसको वो भगा के ले गया। केवल भगा के नहीं ले गया, घर में से जो कीमती जेवरात और पैसे थे उसको लेकर वो फरार हो गया। हमारा थोड़ा ये है, बार हमने पुलिस में भी शिकायत की, एफआईआर भी उसकी दर्ज है, और ऐसे में जब समाज में ये लव जिहाद की और श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े काटे जाने वाली खबरें आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से पिता के मन में, हम समाज बंधुओं के मन में भी थोड़ी चिंता है कि ना हो जाए कहीं हमारी बच्ची के साथ भी ऐसे कहीं गटर में कटी हुई मिले। इसलिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और तत्काल से तत्काल शीघ्रता से शीघ्र इस पर कार्रवाई करें, इसके लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया भी एक बार आईपीएस साहब से जाके मिले, तो अब हम यहाँ से आईपीएस साहब के साथ आज जा रहे हैं इस बात को बताने। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मोरे आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा बिना टाका बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।